फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज हम लोग आए हैं काठमांडू, ठीक है। तो काठमांडू से जा रहे हैं पशुपतिनाथ घूमने, ठीक है। तो आप लोग को तो नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, कोई कोई तो भैया आया भी होगा। भाई ये साइड में जो मंदिर दिख रहा है ना भाई, ये मतलब इस मंदिर का जो एरिया है बहुत दूर में फैला हुआ है भाई, ठीक है। तो मतलब कि ये बहुत बड़ा मंदिर है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है भाई। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं से बाउंड्री शुरू हो चुका है। अभी हम लोग चल रहे हैं पशुपतिनाथ में ही, ठीक है। तभी आप लोग रास्ते का सीन था देखिए, उसके बाद हम लोग आगे का बताएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर में गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान का, ठीक है। तो अभी भैया कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल हम ही कर लेते हैं भैया का बात, ठीक है। तो भैया चले गए, अभी हम ही कर लेते हैं, अभी फिर चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, तरह का कुछ ऐसा भी हुआ, ठीक है। मतलब बहुत ही मस्त गाइस मंदिर है काठमांडू। आप लोग आइएगा तो एक बार जरूर इस मंदिर में आइएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मंदिर है भाई, ठीक है। और काठमांडू का सबसे फेमस मंदिर है गाइस, ये सबसे फेमस जगह भी है, सबसे फेमस मंदिर भी, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल अंदर जा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे अभी क्या क्या सीन है अंदर में, ठीक है। और अंदर में मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है गाइस, ठीक है। एंड कैमरा भी सभी फोटो भी नहीं खींचते गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ बंदर ऊपर, दो तीन बंदर बैठा हुआ आपस में, वो लोग बातचीत कर रहा है भाई, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई इधर अंदर, इधर इंटर कर रहे हैं अंदर। तो इधर अभी देखिए गाइस, अभी इधर कबूतर बहुत सारा रखा हुआ है एक साइड में, मतलब एक घर की तरह बना के रखा हुआ है, मतलब इस साइड से बाउंड्री करके अंदर में कबूतर रखा हुआ है भाई, कहीं जाता भी नहीं है। तभी आप लोग को दिखाते हैं वो सीन, जब पहले कबूतर को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग को दिखा रही है, देखिए इधर का सीन पहले देखिए, उसके बाद फिर अभी अंदर का व्यू दिखाएंगे गाइस, ठीक है। तो इधर का सीन चेक कीजिएगा। सीन देखने के बाद अभी फिर चल रहे अंदर गाइस, ठीक है। तो अभी देख लिए गाइस कबूतर वगैरह बहुत ज्यादा, अभी इधर अंदर चलते हैं और मैं आप लोग को अभी एक गेट दिखाऊंगा, उस गेट से अंदर कैमरा यूज नहीं कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी आप लोग का अभी आगे चल के दिखा रहा भाई, देखिए कितना भीड़ है गाइस। और इधर अमेरिका का भी आदमी लोग बहुत ज्यादा घूमने आता, ठीक है। तो अमेरिकन से भी मतलब काठमांडू पूरा भर्ती है गाइस, मतलब बहुत ज्यादा अमेरिकन आदमी से यहाँ पर टूरिस्ट सब यहाँ टूर में आता है गाइस, ठीक है। तो ये गेट आप लोग देख सकते ना, वहाँ ऊपर लिखा हुआ था पशुपतिनाथ, ठीक है। तो इसी गेट से अंदर हम लोग मोबाइल यूज नहीं कर सकते, अभी आप लोग को पता चलेगा क्यों नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल अंदर, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस। सुबह सुबह के टाइम में लगभग कितना 7:30 बज रहा था गाइस, ठीक है। उस टाइम में भी इतना भीड़ है भाई, सारा दिन में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग अंदर चल रहे अभी। समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो भाई ये जो अभी आप लोगों को भी गेट दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। अभी इस गेट, ये जो गेट है पशुपतिनाथ का गेट, ठीक है, इसके अंदर मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ है कि उसका वीडियो अभी फोटो नहीं खींच सकते, ठीक है। मालूम नहीं क्या है, बट इधर अंदर से यूज़ नहीं करने देगा मोबाइल, तो आप लोग बाहर से ही देख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। तो इस गेट से अंदर मतलब अंदर बहुत सारा चीज़ ऐसा है भाई, मतलब देख के मज़ा आता है गाइस, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग अभी देख के आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है।